Good morning students, in this video I am going to explain exercise based on subject and predicate. Before move forward, let's revise subject and predicate. What is subject? The subject is always a noun or a pronoun or a group of words that does the work of a noun. Subject hamesha noun hota hai ya pronoun hota hai ya words ka ek group hota hai जो कि नाउन के जैसे काम करता है. वॉट इज प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और अ सेवरल वर्ड्स विद अ एसेंशियल वर्ड बीइंग अ वर्ब. प्रेडिकेट में वर्ब एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बनाता है. तो इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज हम करते हैं. Identify the subject and the predicate. First, Meena has come first in the race. Meena आई है first race में. तो noun इसमें क्या है? Noun है Meena, क्योंकि Meena एक लड़की का नाम है तो ये noun है, और noun है इसलिए ये subject बन जाता है. तो Meena subject है. हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक का सेंटेंस है प्रेडिकेट, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज प्रेडिकेट. इसलिए यहाँ पर हैज से लेकर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. सेकेंड इज लेजी बॉयज कम लास्ट. तो इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? इस सेंटेंस में बात हो रही है लेजी बॉयज के बारे में. वो वर्ब है कम, तो कम से लेकर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. इस तरह से सब्जेक्ट हो जाता है लेजी बॉयज और कम लास्ट इज प्रेडिकेट. थर्ड इज द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य पूरब से निकलता है. इस सेंटेंस में बात हो रही है किसके बारे में? इसमें बात हो रही है सन के बारे में. तो सन हमारा हो जाता है सब्जेक्ट और rises in the east is predicate. Fourth is the foolish crow tried to be the peacock. एक मूर्ख कौआ पिकॉक बनने की कोशिश करता है कर रहा है. तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? इसमें बात है हो रही है द foolish crow. foolish crow, foolish crow हो गया सब्जेक्ट और ट्राई टू बी द पीकॉक इज प्रेडिकेट. फिफ्थ इज माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर हैव गॉन टू द मार्केट. और मेरे पेरेंट्स और भाई बाजार चले गए हैं. इसमें किन के बारे में बात हो रही है? इनमें बात हो रही है पेरेंट्स और ब्रदर, दो जनों के बारे में बात हो रही है. तो ये दोनों ही लोग, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है तो नाउन हो गया ये, और नाउन है इसलिए ये सब्जेक्ट बन जाता है. माय ब्रदर एंड द माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर इज सब्जेक्ट. हैव गॉन टू द मार्केट वर्ब से लेकर एंड तक का सारा सेंटेंस प्रेडिकेट बन जाता है. उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. बच्चों इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. हैव अ नाइस डे.